Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to another review video. In this video I'm gonna share with you my honest review about L'Oreal Infallible Foundation. So वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट. सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो. सो आई एम इन द शेड ट्रू बेज 130 और इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं और इसके मार्केट प्राइस हैं अराउंड 3500 से 4000 समथिंग तक. सो दराज पे वुमेन सेल चल रही है तो यू कैन ईजिली ग्रैब इट विद इन रिजनेबल प्राइस. लाइक मैंने तो ये 2800 समथिंग की ली थी, बट अब आपको मिल जाएगी 3480 तक में. आप लोग चेक कर लीजिएगा दराज पे इसके प्राइस. बट और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये ईज़िली अवेलेबल है. हाई फाइव हो गई, बिग गैलरी हो गई, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये अथेंटिक मिल जाएगी आपको. सो ये जो मेरा शेड है 130 ये ईजिली जाएगा ब्रिटिश स्किन टोन पे और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. मैंने जो लिया था ये निशा खान के रिकमेंडेशन पे लिया था और इसमें पाउडर फार्मूला वाला भी आता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप है, बट वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. ये क्लेम्स करता है कि 24 आवर्स तक हमारी स्किन पे जो है वो स्टे करता है और इसका जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा लाइट है. इस पर जो मेंशन है कि बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं मैंने स्किन पर अप्लाई किया है कितना ब्रीथेबल इसका फार्मूला है, कितना लाइट वेट इसका फार्मूला है. बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है. और मैं अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू इसके साथ आपके साथ शेयर करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है. मैं इसको यूज़ कर रही हूं, लाइक 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूं. बट आप देख सकते हैं इसका फिनिश बहुत ही स्किन लाइक है, एकदम से स्किन में ब्लेंड हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी हैवी लुकिंग नहीं है. लाइक इसकी कवरेज मीडियम टू हाई है ये क्लेम करता है, लेकिन आपने देखा होगा जितने भी हाई कवरेज फार्मूला होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं और हैवी उनका फार्मूला होता है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही ज़्यादा थिन फार्मूला है इसका, ब्रीथेबल, और स्किन पे अप्लाई होने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने कुछ अप्लाई किया है. सो बहुत अमेजिंग इसका फार्मूला है. इसको ऑल स्किन टाइप्स के पीपल यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, और स्पेशली वो गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं जिनकी ड्राई स्किन है, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए कोई फार्मूला ऐसा बना नहीं, या तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई फार्मूला होता है या फिर मैट फार्मूला होता है. तो ये वाला फार्मूला ड्राई स्किन वाली गर्ल्स ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं. तो मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है और ये काफ़ी देर तक स्टे करती है. लाइक 10 से 11 घंटे तो मैंने इसको अप्लाई किया है अपनी स्किन पे और ये बहुत ही अच्छी फिनिश देती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और डूई इसका फिनिश है. तो आई टोटली रिकमेंडेड कि आप लोग ट्राई करें. अच्छा, ये आपके इजीली डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस को हाइड कर देती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 95% तक हाइड कर देती है. ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होती. मैंने सुना था कि ये ऑक्सीडाइज़ होती है, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज़ नहीं हुई मेरे लिए, लेकिन आपको सेफ़ साइड रहते हुए अपने लिए एक शेड लाइट ऑर्डर कर लीजिएगा अगर ऑर्डर करें. बाकी ऑक्सीडाइज तो फाउंडेशन ये मेरी नहीं हुई. और ये फाउंडेशन एक्सपेंसिव तो है बट वर्थ बाइंग है. इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. लाइक इसका फिनिश जो है बहुत ही अच्छा है. आई हैव ऑयली स्किन बट ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी है. सो ड्राई स्किन वालों के लिए तो आइडियल है, तो मस्ट ट्राई दिस. अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट वर्थ बाइंग है यार. ईच एंड सिंगल पैन इसका वर्थ बाइंग है, क्योंकि हम बहुत से फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करते हैं बट उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता. इसका रिज़ल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है. आई टोटली रिकमेंड इट 1000 टाइम कि आप ये वाला फाउंडेशन ज़रूर ट्राई करें. सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.